नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। देश दुनिया से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लता जी के निधन के बाद देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। गायिका को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि लता मंगेशकर 92 साल की थीं और उन्हें उम्र से संबंधी अन्य समस्याएं भी थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रविवार सुबह यानी आज उनका स्वर्गवास हो गया। लता दीदी के निधन पर एक तरफ जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह, वीरेंद्र सहवाग और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लता दीदी को अंतिम विदाई दी है। आपको बता दें, लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वे यहां रहा करती थी। बहन आशा भोसले भी यहां से कुछ दूरी पर रहती हैं। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से शुरू होती रही। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद था। नवंबर 2019 में लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जहां वे 28 दिन भर्ती रही थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, ये बात सबको पता है। अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? इसका जवाब है हाँ, उन्हें प्यार हुआ था, वो भी डूंगरपुर राज घराने के महाराजा राज सिंह से। कहते हैं लता मंगेशकर की ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लता जी ने आज तक शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर को डूंगरपुर राज घराने के महाराजा राज सिंह से प्यार हुआ था। ये महाराजा लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। राज ने ये वादा मरते दम तक निभाया। वहीं लता जी के कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन लता जी की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े भी थे। राज लता को प्यार से मिट्ठू पुकारा करते थे। उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता जी के चुनिंदा गाने होते थे। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं करते रहे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। सैकड़ों कालजयी गानों को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर चली गई। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।